कल 29 दिसंबर है और जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक कल देश की राष्ट्रीय राजधानी में होने जा रही है और जहां पर बैठक होगी मैं वहीं पर मौजूद हूं। लेकिन टीवी पर लगातार खबरें चलाई जा रही हैं कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। पहले टीवी मीडिया ने कहा कि ललन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब आप इस तस्वीर को देखिए, इस पोस्टर को आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, बड़ी सी लगाई गई है। इसके साथ ही ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और जो पोस्टर है साफ तौर पर इस पर लिखा हुआ जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है 17 विंडसर प्लेस पर होने जा रही और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। ये जो संतोष कुशवाहा हैं बिहार से सांसद हैं, उनका सरकारी बंगला है और उनके बंगले पर ही ये बैठक कल होने जा रही। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही पूरे देश के जो तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे लोग आएंगे यहाँ पर और पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाए किस तरीके से आगे काम करना है, क्योंकि 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है और इंडिया अलायंस को एकजुट करने में नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और कल बैठक जो है की जाएगी और पूरे देश के तमाम नेता कार्यकर्ता इसमें आएंगे ही। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जेडीयू की मांग क्या है, जो जेडीयू के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की मांग क्या है, वे लोग किसे चाहते हैं, किस व्यक्ति को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार को या फिर किसी और के नाम को चुना जाए। जेडीयू अपने हिसाब से मीटिंग करेगी जिसमें जेडीयू के सैकड़ों कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे और पूरे देश के नेता कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं। संगठन को, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा और सरकार को कैसे चलाना है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं ही। और आप देखिए टेंट लगाया जा रहा है, यानी आधी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। रात भर का वक्त बचा हुआ है और रात तक ही तैयारियों को कंप्लीट कर लिया जाएगा और कल सुबह 10 बजे से मीटिंग की शुरुआत की जाएगी। और एक ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में जो नेता कार्यकर्ता रहेंगे, देखिए तमाम जो सोफे रखे गए हैं, बाकायदा यहाँ पर एक मंच भी लगाया जाएगा, वीआईपी कुर्सियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं और तमाम व्यवस्थाएँ लगातार यहाँ पर की जा रही हैं। और कल बड़ी बैठक होगी और इसके बाद कल जेडीयू जो है कोई ना कोई फैसला लेगी। लेकिन टीवी मीडिया लगातार, जिसे तमाम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो लगातार खबर चला रही है कि ललन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफ़ा दे दिया है, फिर कहा कि ललन सिंह जेडीयू से इस्तीफ़ा देंगे और अब ऐसी खबर आ सकती है कि टीवी मीडिया वाले कहेंगे ललन सिंह ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। जब कुछ पत्रकारों ने ललन सिंह से पूछा कि आप आरजेडी में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे या जेडीयू में ही रहेंगे, तो ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे इस मामले पर अभी चुप हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और नीतीश कुमार जैसा हर बार चौंकाने वाला फैसला लेते हैं, इस बार भी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि टीवी मीडिया द्वारा तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और उन अटकलों को खारिज करने का काम जेडीयू करेगी ऐसा माना जा रहा है। और यहाँ पर जो सांसद हैं, सांसद संतोष कुशवाहा खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में दुल्हन तरह सरकारी बंगले को सजाया जा रहा है। और मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, आप देखिए बगल में ली मेरिडियन होटल है और लगभग आधी दिल्ली में जो है कि इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। अब अभी आगे आ जाइए, इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड और जो चुनाव चिन्ह है तीर और नीचे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई गई है और जेडीयू कोई ना कोई बड़ा फैसला कल कर सकती है। लेकिन बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं, टीवी वाले लगातार उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हर बार चौंकाते रहे हैं और माना जा रहा है इस बार भी नीतीश कुमार चौंकाने वाला फैसला लेंगे। जो दिल्ली जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये टीवी वाले लगातार अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ललन सिंह के नेतृत्व में
पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी, पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में लगातार काम करती रहेगी। और इसीलिए टीवी मीडिया पर खास ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टीवी मीडिया लगातार बहुजन समाज की पार्टियों को बदनाम करने का काम करती रही है और शायद आगे भी करती रहेगी। इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है और जेडीयू कल बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि पूरे देश के नेता कार्यकर्ता कल देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं। 17 विंडसर प्लेस पर ही बैठक होनी, जिसमें नीतीश कुमार आएंगे और पार्टी के तमाम नेता भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, 17 विंडसर प्लेस, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।